स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स का बिना क्लासेस पर और मैथ्स में कैलकुलस। और वो भी टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। अभी चल रहा है डिफरेंशिएशन पर क्लास और ये अभी नहीं कर रहे, होगा इसके पहले पढ़ाएंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी और उसके पहले पढ़ाएंगे फंक्शन, तब ये समझ में आएगा, क्योंकि ग्रेट टॉपिक्स है इसमें फंक्शन। बिना फंक्शन का ना लिमिट अच्छा होगा और ना कंटिन्यूटी अच्छा होगा, ना डिफरेंशिएबिलिटी अच्छा होगा, ना डिफरेंशिएशन ठीक से बनेगा। फिर भी जो जरूरी था फिजिक्स के लिए पहले मैं वो करा रहा था। और ये चैप्टर्स है 23 अकॉर्डिंग टू TMH बुक, ना लिख भी दे रहे नाम थोड़ा TMH टाटा मैकग्रॉ बुक्स के अनुसार। और इसमें टॉपिक्स का नाम वही है डिफरेंशिएशन, स्पेशली डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं। तो क्या है इसके अंदर में देखा जाए तो आज का टॉपिक्स में है, समझिए, वही पैरामेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन इन 2D। और जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में पूरा ही बता दिए हैं कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन पैरामेट्रिक फंक्शन का और सेकेंड डिफरेंशिएशन पैरामेट्रिक फंक्शन का कैसे निकलेगा पूरा कंसेप्ट, आज उसी का ही उसी कड़ी में कंटिन्यूएशन में उसका एप्लीकेशन होता है। तो यहां लिख देते हैं एप्लीकेशन, जिनको कंसेप्ट पढ़ना होगा इसके पिछले वाले वीडियो में जब देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो क्या है एप्लीकेशंस में, क्वेश्चन है टू फाइंड dy बाय dx, एक नंबर, दो नंबर में सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर द पैरामेट्रिक फंक्शन x इक्वल टू थीटा a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, और y जो है वो है a sin थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। और ये भी जो भी डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसी में एक और जोड़ देते हैं क्वेश्चन थर्ड, वो क्या है, तो सेकंड डेरिवेटिव एक्स का जब निकाल रहे हैं तो एट द थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 45 डिग्री पर निकाल देना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये हो गया एप्लीकेशंस और कंसेप्ट तो ऑलरेडी बता चुके हैं तो वही लॉजिक लगेगा। पहले इसको लिखते हैं, लिखेंगे इन सेंस एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स
ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो जाएगा डी डी थीटा ऑफ एक्स, यहां आ जाएगा डी डी थीटा ऑफ ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो यहां पर ये आ जाएगा डीएक्स डी टी डीएक्स डी थीटा, यहां ए कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया और डी डी थीटा किसका, तो कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, इस पूरे का डिफरेंस हो सकता है। तो यू प्लस वी तो उसके अनुसार हो जाएगा ये स्टेप, थीटा लिखेंगे और यहां पर डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस डी डी थीटा ऑफ थीटा साइन थीटा। अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन पता है, फार्मूला बताए हैं, माइनस साइन थीटा तो आ जाएगा ए ब्रैकेट में माइनस प्लस यू इंटू वी। यू इंटू वी का कंसेप्ट है कि ऐसा डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वी, पहले लिखेंगे u, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर लिखेंगे v, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यही लॉजिक से वहां पर यूज करेंगे। तो पहला आ गया u थीटा, अब v हो गया साइन थीटा, तो u को उतार लिए और इसको डिफरेंशिएट कर दिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस, फिर साइन थीटा को लिख देंगे और कॉस जो थीटा है थीटा का डिफरेंशिएशन वन हो गया, अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो इसीलिए आ गया ए थीटा कॉस थीटा। तो डीएक्स डी थीटा हमारा फाइंड हो गया, कितना हो गया डी डी थीटा ए थीटा कॉस थीटा, और इसको रिलेशन नंबर लिख देते हैं, समझा जाए वन पहला आंसर है, और नहीं तो चाहे तो इसको टू लिख देते हैं, वन कर देते हैं इस क्वेश्चन को, वन पैरामेट्रिक फंक्शन जो है वो वन है, और जो यहां डिफरेंशिएट किए हैं डीएक्स डी थीटा डीएक्स डी थीटा वो दो है। अब इसी तरह निकालेंगे हम लोग जो सेकेंड फंक्शन है, तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दें और सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे ठीक इसी लॉजिक से, तो क्या लिखेंगे, सिंस वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो फिर वही करेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये स्टेप हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा और ये हो जाएगा डी डी थीटा साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये ए कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको बाहर कर दिए। फिर आ गया यू और भी है, तो यहां पर अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा इसका कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, नेक्स्ट में आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा कॉस थीटा। अब आसानी से याद कीजिए फॉर्मूला जो बताया गया था कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, तो ये यहां लिख देंगे ए कॉस थीटा माइनस, यहां यू इंटू वी है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे यू इंटू वी का प्रोडक्ट का, तो सबसे पहले लिख देंगे थीटा
और फिर वी का डिफरेंशिएशन, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर आएगा प्लस, अब क्या आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा, और इसका जैसे यहां क्या है थीटा कॉस थीटा, ये यू है ये भी है, तो यू को उतार दिए कॉस थीटा को डिफरेंशिएट किए तो माइनस साइन थीटा, और अब थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा वन, और कॉस थीटा तो वैसे उतार देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा सेम है, कैंसिल हो जाएगा, यहां बता बच गया था ए थीटा कॉस थीटा, यहां है ए थीटा साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा मेरा मालूम हो गया कि डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर दो की जगह तीन हो गई। अब इसका बात का कड़ी लिखेंगे, लेकिन बेहतर होगा कि सबसे पहले आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब इसके बाद का स्टेप है कि हम लोग को फाइंड करना है dy by dx, तो यहां उस पोर्शंस को मिटाते हैं, तो आएगा dy by dx क्या होगा dy by dt divided by dx by dt, ऑलरेडी dy by dt यहां dt की जगह थीटा होगा, कॉन्सेप्ट में हमने बताया था थीटा लिख करके टी लिख करके यहां थीटा है, तो डी वाई डी थीटा ऑलरेडी मेरा इक्वेशन थर्ड से मालूम है, वो पुट कर देंगे ए थीटा साइन थीटा और डिवाइडेड बाय डीएक्स डीएक्स डी थीटा ए थीटा कॉस थीटा, कैंसिल होके ए थीटा ए थीटा कैंसिल टैन थीटा आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग के पास रिजल्ट है टैन थीटा। इक्वेशन नंबर दो तीन है, ये इक्वेशन नंबर चार है। अब हम लोग को निकालना है सेकेंड डिफरेंशिएशन, वो कैसे निकलेगा, तो सिंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डीवाई बाई डी एक्स डी डी एक्स टैन थीटा। अब इसके बाद यही आंसर हो जाएगा ऐसा, और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल लगा के, तो डी डी टी या टी नहीं थीटा थीटा वैल्यू
और यहां लिखेंगे टैन थीटा और यहां लिखेंगे डी थीटा डी एक्स। अब टैन थीटा का आंसर जानते हैं क्या होगा, तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा वन बाई डी एक्स डी थीटा, ये दिया हुआ एक पुट कर देंगे ए थीटा वन बाई कॉस थीटा हो गया सेक थीटा, सेक क्यू थीटा बाई ए थीटा, इस तरह से निकल गया सेकेंड डिफरेंशिएशन। अब उसी क्वेश्चन में अटैच था कि थीटा अगर पाई बाई फोर है तो कितना आंसर होगा, तो यहां पर वो स्टेप दिखा देते हैं। तो इसी आंसर से जो इक्वेशन नंबर फोर है इसको फिफ्थ लिख देते हैं, तो अपने जगह पर ठीक ही था, इसमें बेकार कुछ ठीक रहे वो अपने जगह पर सही, ये जो था सेकंड ये सेकंड भी है और ये फोर्थ है, इसी फोर्थ से आगे बढ़ेंगे। तो फोर्थ में दिया योर आंसर्स और ये टेन थीटा आया और डी वाई बाई डी थीटा ये रिजल्ट आया हुआ है, तो यही वाले को रिलेशन फिफ्थ लिखेंगे। यही पुट करेंगे थीटा को पाई बाई फोर, मालूम है कि इसे पाई बाई फोर होता है रूट टू, ये हो गया ए पाई इंटू फोर, इसका हो जाएगा तीन बार करना है तो दो बार करेंगे तो टू रूट टू ए पाई इंटू फोर, फाइनली हो गया एट रूट टू बाई ए पाई और यही इसका कंक्लूजन में है। तो आ गया कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट थीटा पाई बाई फोर ये आंसर है, तो इस स्टेप को लिख देते हैं। तो आ जाएगा कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट थीटा पाई बाई फोर is equal to 8 root 2 by a pi। ये जैसे था इक्वेशन नंबर फिफ्थ, तो ये जो आंसर लाए हैं इक्वेशन नंबर सिक्स। और आज का कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशंस, पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट कराए थे पैरामेट्रिक फंक्शन और आज इसका एक कॉन्सेप्ट कराया, आप बनाएंगे किसी भी बुक से ज्यादा अच्छा रहेगा, टीएमएस बुक से बनाइए
और कहीं और से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले, जैसे जेई एडवांस का, जेई मेन का, वो सब बनाई है। एक क्वेश्चन से, मेरे पढ़ाए हुए एक क्वेश्चन से बनेगा 100 questions। बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, टीचर का काम है 1% बताना, रेस्ट 99% जो है स्टूडेंट को बनाना। इसलिए हमने कह दिया 100 times आप बना सकते हो, क्या है लिखे 99, ठीक है, एक बढ़ा दिए। क्यों बढ़ाए? क्योंकि एक जो हम बता दिए इसको आप फिर से कागज कलम लीजिए और बिना देखे हुए पहले कंसेप्ट को खुद लिखिए, अगर पूरा रिकॉल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं रिकॉल होता है तो जो हमारा वीडियो है इसके पिछले वाला उसको एक बार देखिए, और फिर जो एप्लीकेशन भी है बिना देखे अपने बनाइए। तो हम लोग का कंसेप्ट रहेगा 1:100 कि हम एक बताएंगे, 99 आपको बनाना है, और जब 99 आप बना रहे हैं एक हम बना रहे हैं कंसेप्ट और एप्लीकेशन, तो उसी एक को रिविजन भी करना है, इसलिए स्टूडेंट के लिए 100 हो जाएगा, मेरे लिए एक ही रहेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और देख लीजिए इसको पहले इसने एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और फिर इसी तरह भिड़े रहिए, लगे रहिए, और इसी तरह लगातार अच्छे अच्छे कंसेप्ट देंगे हम, और एप्लीकेशंस भी साथ में चालू कर दिए हैं आज से, इसलिए इसमें जेई मेन जेई एडवांस के भी क्वेश्चन को मैं अटैच करूंगा। तो बेहतर है कि जो बच्चे इस साल जेई मेन के एग्जाम दे रहे हैं, जेई एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं, या जो 11 में है, 12 में है, 9 में है, 10 में है फाउंडेशन कोर्स, वो सब इस वीडियो को देखें, और अच्छा खासा 73-74 वीडियो डाल चुके हैं, अभी लगातार ये चलेगा, और इसी तरह इंजॉय कीजिए और पढ़ाई को इंजॉय जैसा लीजिए, टेंशन जैसा नहीं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सारा मैटर दे रहे हैं। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।